हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये गुड वाइब्स का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है गोल्ड पील ऑफ मास्क। खास तौर पे उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा जिनको इंस्टेंटली ग्लो चाहिए। कई बार होता है ना कि हमें अचानक से कहीं जाना पड़ता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई फेशियल वगैरह करा सके, हमें इंस्टेंटली ग्लो चाहिए अपने चेहरे पे, हमें चाहिए कि हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग लगे, एकदम ब्राइटन अप लगे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। जो गुड वाइब्स का गोल्ड पील ऑफ मास्क है ना गाइज, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे मैंने यूज किया है, इसको लगाने के बाद आपके चेहरे पे एक ग्लो नजर आता है। तो अगर आपको इंस्टेंटली कहीं जाना पड़ता है, फटाफट से जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, चेहरा बिल्कुल डल है, आप इसे ट्राई करके देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको मैं ये प्रोडक्ट नजदीक से दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको अप्लाई भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको फर्क पता लगे कि इसको लगाने के बाद हमारे चेहरे पे कैसा ग्लो नजर आता है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, देन उसके बाद अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है गुड वाइब्स का गोल्ड ब्राइटनिंग पील ऑफ मास्क। पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की मैं इसकी बात करूं तो 199 रुपीज इसका प्राइस है। 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है, 2 साल तक के प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। 50 ग्राम टोटल क्वांटिटी है प्रोडक्ट की। एंड अगर आप किसी भी स्किन की कैटेगरी के होना, ये आप पे बहुत अच्छा सूट कर जाएगा। कुछ इस तरीके की आउटर पैकेजिंग है इस प्रोडक्ट की। और अगर मैं कलर की, टेक्स्चर की, थिकनेस की इसकी बात करूँ ना गाइज, इसका कलर और टेक्सचर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है। मैंने और भी ब्रांड्स के जो पील ऑफ गोल्ड पील ऑफ मास्क आते हैं, मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर कर रखे हैं, एवर यूथ का है, हिमालय का है, बट जो क्वालिटी इसकी है वो मुझे अभी तक और किसी में नज़र नहीं आई है। हमें पील ऑफ मास्क कैसे यूज़ करना चाहिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजेशन ये दूंगी कि जब भी आप पील ऑफ मास्क का यूज़ करते हो तो आप चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, आप हल्के से अपने चेहरे पर फेस पे स्क्रबिंग कर लीजिए। स्क्रबिंग के लिए जरूरी नहीं, अगर आपके पास कोई मार्केट बेस्ड स्क्रब नहीं है तो आप शुगर से कर सकते हो, आप चावल का आटा ले सकते हो, आप कॉफी से कर सकते हो, ओट्स से कर सकते हो, मतलब जैसे भी करना है आपको, बस अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। अगर आप 2 से 4 मिनट स्किन को एक्सफोलिएट कर लेते हो ना, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन एकदम से, मतलब जितनी भी डर्ट है, इंप्योरिटीज है, डेड स्किन सेल्स की लेयर है, वो सब एक बार को रिमूव हो जाएगी। और जब आप उसके ऊपर पील ऑफ मास्क यूज करते हो ना, तो आपको जो ग्लो मिलता है ना, वो डबल मिलता है। आप इस तरीके से लगा के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। मैंने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लिया था और उसके बाद अब मैंने ये पील ऑफ मास्क लगाना शुरू कर दिया है। आपको ना बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं लगानी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं लगानी चाहिए। मीडियम लेयर लगाएंगे तो आपके लिए उतारना भी आसान रहता है। आप देख ही सकते हो कि इसका जो कलर है, जो गोल्ड कलर है यार, वो इतना पसंद आया ना मुझे, ऐसा कलर अभी तक मुझे किसी और ब्रांड के पील ऑफ मास्क में नहीं मिला है और आपको देखने से भी पता चल ही रहा होगा। और इतना अच्छा जो कलर इस पील ऑफ मास्क का इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से गोल्ड पार्टिकल्स का यूज़ किया गया है जो हमारी चेहरे की चमक को बढ़ाता है। मैंने इस पील ऑफ मास्क की एक अच्छी सी मीडियम लेयर लगा ली थी और अब उसके बाद हमें इसके सूखने तक का वेट करना चाहिए। अगर आप फैन के नीचे बैठोगे आराम से, आपका ये 10 मिनट में सूख जाएगा। तो चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे, कहने का मतलब ये है जब ये अच्छी तरीके से सूखेगा तभी आप इसे बहुत आसानी से उतार सकते हो। तो मैं हमेशा पील ऑफ मास्क को ऊपर की तरफ से ही उतारना मुझे पसंद है। आप चाहो तो नीचे की तरफ से भी उतार सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस आराम आराम से मैं इसे उतारूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि पील ऑफ मास्क उतारने से उनको पेन बहुत होता है। देखिए, अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, पील ऑफ मास्क आप जब रिमूव करते हो तो बहुत पेन तो होता ही यार, तो इतना तो चलता है। तो अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करके इसको यूज करोगे तो आपको तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, वो पेन सिर्फ बाल के खिंचने की वजह से ही होता है और कुछ भी नहीं। अब आप देख सकते हो पील ऑफ मास्क मेरा उतर चुका है, मैंने फेस वॉश नहीं किया है। आप चाहो तो इसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्लो जो है, एक इंस्टेंट ग्लो आया है इसको लगाने के बाद। तो अगर आप कभी बहुत जल्दबाजी में जा रहे हो, आपको अचानक कहीं जाना पड़ता है, आप इस पील ऑफ मास्क का यूज करो। बस 2 मिनट के लिए आप अपने चाहे चेहरे की स्क्रबिंग कर लीजिए, उसके बाद लगाइए, फिर देखिएगा आपको इसका रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। तो ये बहुत ही पसंद आया है मुझे प्रोडक्ट, इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
सो गाइस, ये प्रोडक्ट मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप इसे ट्राई करके एक बार जरूर देखिएगा। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। मतलब मैंने आपको जैसा बोला है ना कि अगर आपको फटाफट से इंस्टेंट ग्लो चाहिए ना, तो आप इसे ट्राई करके देखो। मतलब ये प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है अपने आप को पैम्परिंग करने का। हमें एकदम से कहीं जाना है, किसी फंक्शन में, पार्टी में, और हमारी स्किन पे ना उतना ग्लो नहीं है, तब ये प्रोडक्ट आपके बहुत काम आएगा। तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।